हमें सब सभी पत्रकार लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना तकलीफ से अपना कवरेज करने के लिए या रोइंग में आए हैं, आप सबको और दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज आप सबको पता है कि स्टेट का सरकार का सबसे बड़ा एक जो टूर्नामेंट है, जो अपना यूथ के लिए और जो हिडन टैलेंट है स्पोर्ट्स में, यूथ वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, उसको हिडन टैलेंट को शोकेस में लाने के लिए सरकार ने एक ये पांचवा टूर्नामेंट है, अनपनडा मेमोरियल टूर्नामेंट, जिसमें इस साल हम लोगों ने सेलेक्ट किया कि डिपार्टमेंट ने रोइंग में सेलेक्ट किया। और अभी थोड़ी देर पहले आप लोग सुने होंगे कि उद्घाटन हुआ और पूरा डिस्ट्रिक्ट से आया नियर अबाउट 1300 समथिंग आया बच्चा खेलने के लिए। तो हम आप लोग के माध्यम से मैं यहाँ का दोनों ऑनरेबल MLA अनिल गुमताई एंड ऑनरेबल MLA भाई मुचू जी को और यहाँ का DC डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पूरा टीम को या जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक इतना बहुत बड़ा जो फुटबॉल टूर्नामेंट को रोइंग में होस्ट कर रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि इसमें हमारा अपना पुलिस ऑफिसर भी है, बच्चा लोग का जो खिलाड़ी का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी थोड़ा अच्छा से ध्यान देंगे और यहाँ का प्रशासन, और हमको पूरा विश्वास है इस प्रकार का यहाँ में कुछ होगा नहीं। हाँ, और मेरा तरफ से जितने भी खिलाड़ी है खेलने वालों को मैं बेस विशेष देना मांगता हूँ कि इसी प्लेटफॉर्म से हमारा अच्छा खिलाड़ी को चुनकर हम लोग फिर बाहर में नर्चरिंग एंड पॉलिशिंग ट्रेनिंग के लिए हम लोग सरकार की तरफ से हम लोग मदद करेंगे। थैंक यू सर। सर, आपके स्पीच में आपने बोला ना कि पूरा इंडिया का जो जीव जंतु जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, और आपने ये भी कहा कि हमारा जो कंधे में बंदूक रख के जो चलाना नहीं है ऐसा बोला ना, तो हमारा जो यहाँ में NHIDCL के तरफ से जो आर्ट कटिंग हुआ है स्पेशली दिबांग वैली साइट में, तो वहाँ जो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्यों ध्यान नहीं दिया ये थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं देखिए, जो प्रोजेक्ट जहाँ बन रहा है, कहीं भी प्रोजेक्ट है हमारा, कहीं भी कंपनी, देखिए डेवलपमेंट तो होना है, डेवलपमेंट तो स्टेट में होना है, तो डेवलपमेंट होने के लिए ज़मीन चाहिए। तो उसमें अगर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का तरफ से जो एक अपना कंपनसेटरी जो एक फंड है वो भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंजेस में डिपॉजिट होते हैं, इसका APO बना के जितना जो जंगल नुकसान हुआ उसको रीप्लांटेशन के लिए फिर सरकार फंड देते हैं, उसका रीप्लांटेशन जरूर होगा, जहाँ कहीं नुकसान भी हुआ है उसका कंपनसेशन जरूर डिपार्टमेंट का तरफ से, गवर्नमेंट का तरफ से किया जाता है। थैंक यू।